इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक महिला हाथों में चप्पल लेकर इस क्रेन के ऊपर चढ़ी हुई है और पुलिस की क्रेन के ड्राइवर को लगातार चप्पलों से पीट रही है। इस सड़क पर हंगामा मचा हुआ है, लंबा जाम लगा है, कई लोग महिला का पिटाई करते हुए वीडियो बना रहे हैं। कोई भी महिला को रोकने की कोशिश नहीं करता। ये महिला भी जब चप्पल से मारते मारते थक जाती है तब ये क्रेन के ड्राइवर के बालों को नोचना शुरू कर देती है। कई लोग ये भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ड्राइवर को चप्पल से मारो। काफी देर तक ड्राइवर की पिटाई करने के बाद महिला ट्रेन से नीचे उतरती है और आगे का दरवाजा खोलकर गाड़ी में रखे जरूरी कागजों और दस्तावेजों को फेंकना शुरू कर देती है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई हैं। यहाँ इस महिला ने पुलिसकर्मी और ट्रेन के ड्राइवर से न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनका हैंडीकैम और वायरलेस सेट भी तोड़ दिया। जब ये हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया तब अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया और महिला को काबू में किया गया। दरअसल इस महिला की लाल रंग की होंडा सिटी कार दौलतगंज इलाके के नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। कार खड़े होने से सड़क पर जाम लग रहा था। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस की क्रेन आ गई और उसने कार को टांग दिया। ये देखकर महिला और उसके साथ मौजूद शख्स ने काफी हंगामा किया और महिला ने पुलिस और क्रेन ड्राइवर को पीट डाला। सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा जिसके बाद पुलिस ने काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट का मामला महिला के खिलाफ दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया।